हदीसे पाक में कयामत कायम होने से पहले की एक निशानी बताई गई है जिसका ताल्लुक दरियाए फुरात से है। दरियाए फुरात एक बड़ा तारीखी दरिया है और ये दरिया एक रिवायत के मुताबिक जन्नत से जारी होता है। ये वो तारीखी नहर है कि जिसको आखिरी नबी अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात देखा और हदीसे मुबारका में है कि मेराज की रात प्यारे आका अलैहिस्सलाम को सिदरतुल मुंतहा ले जाया गया। वहां चार नहरें थी, दो जाहिर और दो पोशीदा। मैंने जिब्राइल से पूछा कि ये नहरें कैसी हैं, तो उन्होंने कहा कि जो दो पोशीदा हैं वो जन्नत की नहरें हैं और जो दो नहरें जाहिर हैं वो नील और फुरात हैं। सुभान अल्लाह, दरियाए नील और दरियाए फुरात जो है ये गोया सिदरतुल मुंतहा से जारी होते हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर दरियाए फुरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी मर जाए तो मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं मुझसे इस बारे में बरोज़े क़यामत सवाल ना किया जाए। बहरहाल उस दरियाए फुरात के किनारे मैदान करबला में नवासे रसूल जिगर गोशाए बतूल हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया था। इस दरिया का तस्किरा कई अहादीस में आया है। फुरात का नाम कदीम फारसी के लफ्ज अफरातो से निकला है और चंद माहिरीन का कहना है कि फुरात का लफ्ज कुर्द जबान से निकला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कयामत कायम ना होगी हत्ता के फुरात सोने के पहाड़ से खुल जाएगा, उस पर लोग आपस में जंग करेंगे, यानी फुरात का पानी खुश्क हो जाएगा और उसकी तह में सोना चांदी का खजाना जाहिर हो जाएगा और उस सोने को हासिल करने के लिए, उसका मालिक बनने के लिए सल्तनतें जंग करेंगी, आवाम लड़ेंगे। यानी सीधे अल्फाज में कहा जाए तो वो सोना क्या होगा, जंगो जिदाल की जड़ और हलाकत का सबब होगा। इस लड़ाई के नतीजे में प्यारे अकाली सलाम ने फरमाया हर 100 में से 99 आदमी, जी हाँ 99 लोग कत्ल हो जाएंगे। इट मींस 99% लोग जो इस लड़ाई में होंगे वो मारे जाएंगे। हर शख्स यही कहेगा कि शायद मैं ही वो हूं जो नजात पा जाए। इस लड़ाई झगड़े से बचने का तरीका नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें यह बताया कि करीब है कि फुरात सोने के खजाने से खुल जाए तो जो वहां हाजिर हो वो उसमें से कुछ ना ले, यानी उस सोने चांदी से दूर भागे, वहां ठहरे भी नहीं क्योंकि उस पर बड़ी लड़ाई और आम कत्लो गारतगिरी होगी। नीज उस खजाने के लेने से अजाब इलाही नाजिल होगा, बलाएं आएंगी, ये माल, ये सोना, ये चांदी खजाना कारूनी की तरह मनहूस होगा और उससे दफा लेना दुरुस्त ना होगा। हदीसे पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है कि दुनिया खत्म ना होगी हत्ता कि एक आदमी कब्र पर गुजरेगा तो वो वहां लौटेगा और कहेगा कि हाय काश इस कब्र वाले की जगह मैं होता। यानी उस वक्त दुनिया में फितने और आफतें, बलाएं इस कदर होंगी कि लोग जिंदगी पर मौत को तरजीह देंगे और कब्र को देखकर तमन्ना करेंगे कि इस कब्र में हम दफन हो चुके होते। यानी दरियाए फुरात ये कोई आम दरिया नहीं है नाजरीन, बल्कि दरियाए फुरात जन्नती दरिया है और कुर्ब कयामत में से दुनिया से उठा लिया जाए। हम बस अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगते हैं कि अल्लाह पाक उन फितरों से हमें बचाए, दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमाए और जब मौत का वक्त आ जाए तो रब करीब हमें ईमान पर ही मौत अता फरमाए।